हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की मेडिकल सेक्टर के हवाले से, जी हाँ, बिल गेट्स ने इंडिया के मैन्युफैक्चरर को, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी है कि उन्होंने जिस तरह मैन्युफैक्चर किया है वैक्सीन को और अफोर्डेबल प्राइस में पूरी दुनिया को प्रोवाइड किया है, यानी कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को जिस तरह उन्होंने आम किया है, तमाम लोगों तक पहुँचाई है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और जिस तरह उन्होंने क्वालिटी वाइज जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है उस हवाले से उन्होंने, बिल गेट्स ने इंडियन मैन्युफैक्चरर को, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की और इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इस तरह उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इससे पता चलता है कि आज की डेट में उनका मेडिकल सेक्टर वर्ल्ड को लीड कर रहा है, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। मेडिकल सेक्टर, जैसे कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे आगे है, तो इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर और बिल गेट्स के स्टेटमेंट के हवाले से पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि बिल गेट्स ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है, अप्रिशिएट किया है इंडिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, जो सप्लायर हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है क्योंकि उन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड वैक्सीनेशन को आम किया, और जिस तरह उन्होंने सप्लाई की, उनके सप्लायर को, उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है बिल गेट्स ने इंडिया के, इसको कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं बिल गेट्स की? ज़ाहरी बात है, उनका मेडिकल पाकिस्तान के मेडिकल की निस्बत बहुत ऊपर जा रहा है, और उनकी मीशत के हिसाब से वो अपने मेडिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कुर्मरान ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका ज़ाहरी बात है उनका ही देना बनता था क्योंकि वो अच्छे उसमें फील्ड में वर्क अच्छा कर रहे हैं, तो ज़ाहरी बात है उन्होंने उनको ही सपोर्ट करना था। अच्छी बात है, इंडिया वैसे बहुत चीज़ों में आगे जा चुका है, हर चीज़ में आगे, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वैसे वो तो वो एक डेवलप्ड कंट्री उसको कहा जा रहा है, तो इंडिया को अब इंडिया डेफिनेटली एक डेवलप्ड कंट्री है और बहुत अच्छी तरह से वो चाइना को एक तरह से वो टक्कर दे रहा है, तो उन्होंने जिस तरह से कोरोना पे और कोरोना मतलब जिस तरह से उधर फैला था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कितना एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी इंडिया में, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको कवर किया और अपनी मतलब एक टीम की तरह वो चले और उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई, जो भी किया उस बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया ना हर चीज़ में उनकी उनको जो लगता है कि उनके अंदर जो खामी है वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई है, वैक्सीन की जो वो सप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपने कहा कि बिल गेट्स ने तारीफ किया है, तो एक अच्छी बात है ये, मतलब अच्छे कदम पे तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, और अगर हम जेलसी में रहे, जेलसी फैक्टर में ले जी इंडिया हमसे आगे चला गया, ऐसे नहीं होता, हम हर तरफ उसकी पॉपुलेशन पर बात करते हैं कि उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान भी कहीं से कम नहीं है किसी से, तो ये है कि पाकिस्तान में भी बिल गेट्स ने दौरा किया और इमरान खान के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर बात हुई, और उन्होंने पोलियो के हवाले से इमरान खान को भी अप्रिशिएट किया, उनके इकदाम को अप्रिशिएट किया कि जिस तरह से हमने, इमरान खान ने पोलियो पर काबू किया, हमारी गवर्नमेंट ने काम किया पोलियो की मुहिम पर, तो उन्होंने हमें भी अप्रिशिएट किया, तो हर तरह से हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, इंडिया की सिचुएशन और है, हमारी सिचुएशन और है, हम अभी काफ़ी पीछे हैं इंडिया से, लेकिन ये है कि हम भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह, जिस तरह से हमारा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने पोलियो पर काबू पाया और कोरोना पर भी काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं हम लोग, जैसे कि अर्बन सिटीज़ हैं यहाँ पर वायर मतलब जैसे हुई थी वो क्या होती है लॉकडाउन और ये स्मार्ट लॉकडाउन एक लगा था, तो अब वो खुल गया हुआ है, और जैसे PSL हमारे मुल्क में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, तो 100% ऑडियंस हो गई है, तो कोरोना के हवाले से भी काफ़ी अच्छे उन्होंने निकाले हैं, मतलब कि हर कंट्री के सिचुएशन डिफरेंट होती है, उनके काम डिफरेंट होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स डिफरेंट होती हैं। देखें, जो चीज़ अप्रिसिएशन के काबिल होगी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दिस इज़ समथिंग गुड कि अगर इंडिया इतना अच्छा, उन्होंने वैक्सीन ऐसी बनाई है जिसकी वजह से इतना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो बिल गेट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको इनक्रेज किया बेसिकली कि वो मज़ीद इस तरफ मेडिकल की तरफ अपना वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाएँ और इसी तरह लोगों के फ़ायदे के लिए बनाएँ। खुद जी, इंडिया को अप्रिशिएट करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी कोरोना की वजह से, जिस तरह वायरस फैला था पाकिस्तान में वो बहुत कम फैला है, पाकिस्तान में थोड़ा कंट्रोल पा लिया गया था, लेकिन इंडिया में स्टार्ट में वायरस पर कंट्रोल नहीं पाया गया, तो उन्होंने फिर रिसर्च किया, फिर वैक्सीनेशन बनाई, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आवाम को सहूलियात मैसर की हैं, वैक्सीनेशन लगवाई गई हैं, वहाँ पर अमवात पर कंट्रोल किया गया है, तो मेरे ख्याल से ये अप्रिसिएशन के काबिल था, तो डेट्स वाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
क्या इंडिया का मेडिकल सेक्टर जो है आज के डेट में इतना आगे निकल चुका है कि बिल गेट्स इंटरनेशनल लेवल पर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है? ज़ाहरी बात है, देखें अब वर्ल्ड का बेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट भी इंडिया में किया जाता है और वो मेडिकल के ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो अस्पतालों का आपके सामने है कि क्या हाल होता है, गरीबों का बिल्कुल कोई पूछता ही नहीं है उनको। तो ज़ाहरी बात है वहाँ पे वो मेडिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो बिल गेट्स ने भी ये बात नोटिस ही की है, तभी उसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज़ बेटर इन मेडिकल देन पाकिस्तान। इंडिया का मेडिकल सेक्टर बहुत बेहतर है पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से जो छोटे ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर कोई संजीदा बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप इंडिया में जाकर इलाज करवाएं। तो मेरे ख्याल से इंडिया का मेडिकल सेक्टर बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, या कहा जा सकता है कि इंडिया में तालीम आम है तो वहाँ पर रिसर्च ज़्यादा होती है, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर मेहनत करते हैं, अगर वहाँ पर कोई बीमारी नहीं ईजाद होती है तो वहाँ पर उस पर रिसर्च की जाती है। तो मेरे ख्याल से कि वो अप्रिसिएशन के काबिल था, तो डेट्स वाई मैं भी अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को कि इंडिया ने मेहनत की है, इंडिया ने बताया है, इंडिया साबित कदम रहा है, उसने कहा है कि हम बताएंगे वर्ल्ड वाइज के भाई हम बेस्ट हैं और हम मेडिकल सेक्टर में बेहतर लोगों को सहूलियात मुयसर कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे मेडिसिन की बात की जाए तो वहाँ पे आम आवाम को मेडिसिन भी बहुत सस्ती प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में जो मेडिसिन है वो बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से गरीब बंदा उसको बर्दाश्त करता है कि इतनी महंगी मेडिसिन खरीदे, लेकिन इंडिया में ये सहूलियात होने की वजह से इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। इस वजह से अच्छी बात है, एजाज की बात है, इंडिया को तमगा दे दो जी, हर कुछ जो कहना कह दो, इंडिया तो है, इंडिया ही है, बस ये कह सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया ना कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान में दौरा किया, इमरान खान से मुलाकात की, पोलियो मुहिम पर अप्रिशिएट किया, तो फिर हमें भी तमगा दें, हमें भी अप्रिशिएट करें, सिर्फ इंडिया ही क्यों लगाई हुई है हर किसी ने यहाँ पर। वो क्या लगता है कि आज की डेट में इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल सेक्टर होता जा रहा है? कह सकते हैं, जाहरी बात है क्योंकि वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इस वजह से कह सकते हैं कि वो बन रहा है वर्ल्ड का बेस्ट। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट में वो ऑलरेडी वर्ल्ड के नंबर वन में आ रहा है, इसी तरह जाहरी बात है आहिस्ता इसमें भी कवर कर जाएगा सारा कुछ। मेरे ख्याल से वी कैन से दैट कि लाइक द वे दे आर इम्प्रूविंग, वो इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें भी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। अगर हम भी इन चीज़ों पर फोकस करें और ये देखें कि हमें अपने मेडिकल सेक्टर या हमें अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को कैसे ऊपर लेके जाना है, तो इट्स गुड। अब इसकी मिसाल आप इस तरह देख लेंगे कि लाइक द इकॉनमी ऑफ इंडिया, उनकी जो GDP है उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, हमें पता चलता है कि इंडिया किस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है कि वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल सेक्टर है इंडिया का, चूँकि वहाँ पे आवाम को जिस तरह से सहूलियात मुयसर की जा रही हैं, हॉस्पिटल की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, इसलिए हॉस्पिटल की तादाद भी वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे जो एक मरीज़ जाता है उसको वहाँ पे वो सहूलियात मुयसर होती हैं जो पाकिस्तान में मुयसर नहीं हो पाती, वहाँ पे गरीब जाए अमीर जाए वहाँ पे फ़र्क नहीं किया जाता, तो डेट्स वाई उनका मेडिकल सेक्टर बहुत बेहतर है। क्या वजह है कि इंडिया हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है? इंडिया में वो हुक्मरान कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ी जा रहे हैं और आवाम का कोई एहसास नहीं कर रहा, बस यही है। आप क्या कह सकते हैं इनको? सर जिस तरह इंडिया का मेडिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और लीड कर रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया का, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर है? इसके ऊपर इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जाहरी बात है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर उसकी मीशत को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इनके ऊपर जाहरी बात है गवर्नमेंट ही पॉलिसीज़ बनाती है और वही इंप्लीमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि जाहरी बात है गवर्नमेंट को ही जाएगा इसका सारा क्रेडिट जो भी वो अमल करते हैं जो भी है। इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से रियासत को ही जाता है, उसकी हुकूमत को ही जाता है, उसके हुकूमत अगर अपने अदारों को प्रोवाइड नहीं करेगी सहूलियात तो मेरे ख्याल से फिर अदारे बैठ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मोदी की हुकूमत को ही जाएगा। सर वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी पे भी उनका विजिट था बिल गेट्स का, इस तरह की कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे कि उनको अप्रिसिएशन की भी है तो हमारे यहाँ पे विजिट करने के बाद उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा अपना दिल नहीं करता अस्पतालों में जाने का, तो क्या कह सकते हैं, जाहरी बात है हमारा यहाँ अपना दिल नहीं करता वहाँ अपने अस्पतालों में जाने का सरकारी, तो उसने तो विजिट करने के बाद जाहरी बात है वो तो फिर फॉरेनर्स हैं और वो तो हर एक छोटी से छोटी बात को नोट करते हैं, तो ठीक है बस अब
जो हो गया होना था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि मेडिकल के ऊपर अपने फोकस करे, ना कि एक पॉलिटिकल फाइट के ऊपर ज़्यादा करे। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें भी ऐसी कुछ अचीवमेंट्स शो करनी चाहिए, हमें भी अपने आप को लाइक इंटरनेशनल फोरम पे खुद की एक पहचान बनानी चाहिए कि अगर कोई पर्सन आ रहा है, बिल गेट्स आया है हमें, लाइक मैं आई एम कॉमन सिटीज़न, मुझे नहीं पता बेसिकली अंदर बात क्या, वो क्यों आया, क्या प्रॉपरली, वो कुछ प्रॉपरली किया नहीं गया, एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो अगर हम कोई ऐसी अचीवमेंट लेकर आते हैं सामने के पूरी दुनिया में, हमें उस प्रोमिनेंट हों तो दैट वुड बी गुड। तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में। पता नहीं वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनाएगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी प्रोफेसर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की थी और ख़बरें भी चल रही थी कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बनाई जा रही है, इस पर रिसर्च की जा रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वो सहूलियात मुयसर नहीं की जाती हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात उनको चाहिए होती हैं। किसी भी शोबे में आप देख लें, पाकिस्तान में वो सहूलियात नहीं दी जाती। अगर पाकिस्तानी कोई डॉक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बताएगा कि आप ये करें, आप ये करें, तो उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इंडिया में वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, वो टैलेंट को सामने लेकर आते हैं, वो बताते हैं कि हम इस पर काम कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं। तो डेट्स वाई वो इंडिया आगे जा रहा है, तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट था, यही वजह है कि बिल गेट्स ने भी इस तरह उनके मेडिकल सेक्टर को, उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इसलिए अप्रिशिएट किया। हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि बिल गेट्स को, बिल गेट्स वैसे तो ममालिक की तारीफ नहीं करता, उन ममालिक की जो पीछे रह जाते हैं या वो काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो कामयाब इंसान है तो वो उसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है जो बेहतर होती है। सर क्या वजह है कि इंडिया ने, जी एग्जैक्टली अगर देखा जाए, अगर बिल गेट्स पर्सनली अगर उनको अप्रिशिएट कर रहा है या इनकरेज कर रहा है, तो इसका मतलब है दे आर डूइंग समथिंग, दे आर हैविंग सम इम्पैक्ट इन मेडिकल इंडस्ट्री। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो हमारे पड़ोसियाँ, बाकी हमारी जो भी उनके साथ मामला चल रहे हैं वो साइड पे, लेकिन ये चीज़ उनकी काबिल तारीफ़ है, और अगर बिल गेट्स उनको तारीफ कर रहा है तो देर इज़ समथिंग गुड। अपनी वैक्सीनेशन खुद बना ली और बहुत जल्दी बना ली, और पाकिस्तान ने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन भी खुद नहीं बनाई। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, उन्होंने अपनी बना ली और यहाँ पाकिस्तान ने ज़्यादातर अपनी वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट की है, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी कहीं पर भी दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा है कि वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें भी सीखते हुए काम करना चाहिए आज की डेट में उनसे। ज़ाहिर बात है करना चाहिए, अब 7 कंट्री है बिल्कुल हमारे और वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और हम अभी उधर ही खड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो काम, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे सीखना चाहिए। कोई नेकी का काम कर रहा है तो उससे सीखो, कोई अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है तो उससे सीख रो। मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी मतलब ये रहे कि जी इंडिया ने किया तो हम क्यों करें, हम उनसे मतलब बेशक हमारी आपस में तनाजात रहते हैं, इख्तलाफ रहते हैं, लेकिन जो अच्छा काम है वो तो करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हाँ तनकीद की बजाय हमें उस जैसा बनना चाहिए, उस उन जो वहाँ के लोग हैं वो मेहनती लोग हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वहाँ के लोग तालीम को आम करना चाहते हैं, तालीम की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम यही तनकीद करते हैं कि इंडिया काफिर है, इंडिया यहूदी है, जो भी हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमें थोड़ा सा अपने मेंटली तौर पर बेहतर रास्ते पर जाना चाहिए। जी कहते हैं कि जो चीज़ अच्छी हो वो ज़रूर सीखनी चाहिए, नॉट फ्रॉम हेयर। अगर हम किसी और कंट्री या किसी को भी देखें, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमें भी सीखना चाहिए और हमें भी फॉलो करना चाहिए। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।